नमस्कार, पत्रिका पोल बुलेटिन की इस महा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आचार संहिता लग गई है और इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ का जो पूरा चुनावी संग्राम है जो आज से ही ठीक ठीक 63 दिन तक चलने वाला है, यानी और बाकी बचे हुए भाग में 20 नवंबर को यानी 72 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिलासपुर में जो वोटिंग होगी वो 20 नवंबर को होगी। अगर कुल जमा हम देखते हैं तो करीब करीब हमारे पास 42 दिन का वक्त बचा हुआ है। इस सारी चीजों को लेकर के हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों से हमारे साथी हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र कुंबर साहब हैं, उसके बाद विजयधर दीवान साहब हैं, और भारतीय जनता पार्टी से ही रजनीश सिंह जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, और हमारे साथ ठीक बगल में बैठे हुए हैं नव जो गठित पार्टी है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के प्रत्याशी भी हैं ब्रजेश साहू जी, और त्रिलोक श्रीवास जी हैं, बेहद तरह से प्रयास कर रहे हैं, अभय नारायण राय जी हैं। सबसे पहले मैं आता हूं गुंबर जी आपके पास। आते से चुनाव की तारीखें आते से दो आरोप आए हैं। पहला आरोप आया है रणदीप सुरजेवाला का, नरेंद्र मोदी की रैली 12:30 बजे थी, एक बजे थी, इसलिए चुनाव आयोग ने अपनी 3 घंटे टाइम बढ़ाया। सबसे पहले तो मैं पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू हुई है उन्होंने सबसे पहले बिलासपुर शहर में राजनीतिक दलों को बुलाकर एक अवेयरनेस के लिए और जनता में एक अच्छा संदेश दिया चुनाव के बारे में, उसके लिए आज एक आयोजन के लिए, इसलिए मैं पत्रिका को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक आरोप का सवाल है, राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के आरोप लगते ही रहते हैं और उसमें मेरे को ऐसी कोई विशेष बात नजर नहीं आती है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट आयोग है और अपने हिसाब से वो काम करता है, वो किसी के दबाव में या किसी के कहने से काम नहीं करता है। इस बात की कोई नजर नहीं आता है कि ऐसी कोई उसमें परिवर्तन हुआ। विजय जी, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी, 1:30 बजे मोदी का कार्यक्रम होना था, रैली थी राजस्थान में, इसलिए इसको 3 घंटे शिफ्ट किया गया। यह आरोप निराधार है और आज आयोग की जो सूचना आई थी वो 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना थी जो टीवी में चल रही थी। किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना रहे, कोई बिल्कुल लालच ना रहे और निश्चित रूप से हम सब आचार संहिता का पालन करेंगे। रजनीश जी, दूसरा आरोप राज्य से जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि राजनांदगांव को शामिल किया गया पहले चरण में ताकि आपके सचिन तेंदुलकर डॉक्टर रमन सिंह फ्री हो जाए। ये आरोप लगाना उनका काम है, आरोप लगाते रहे, लेकिन पहले प्रश्न का और दूसरे प्रश्न का, यदि इलेक्शन कमीशन है तो 2 घंटे क्यों लेट करते, इसको 2 दिन भी लेट किया जा सकता था। वो कार्यक्रम मोदी जी का होने के बाद, डॉक्टर रमन सिंह जी का होने के बाद किया जा सकता था। राजनांदगांव में रमन सिंह जी को फ्री करने का उनको कुछ ना कुछ आरोप लगाना है। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री हैं और लगातार घूम रहे हैं और उनको अपने क्षेत्र के साथ साथ 90 विधानसभा लगातार घूमे हैं, और उनको आरोप लगाना कि उनका 12 तारीख के बाद 20 तारीख तक फ्री हो जाएंगे, ये एक राजनीति से प्रेरित आरोप है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसको मैं गंभीर आरोप नहीं मानता हूँ और न ऐसी कोई बात लगती है। रजनीश जी कह रहे हैं गंभीर आरोप नहीं है, और आरोप ये भी है क्योंकि दोनों ही जो लोग हैं जो कि राजनांदगांव से लड़ेंगे, डॉक्टर रमन सिंह जी भी राजनांदगांव से लड़ेंगे, दोनों को ही फ्री करने की कोशिश की गई है ताकि दोनों मिलकर कांग्रेस से मुकाबला करें। मिलकर शब्द पर ध्यान दीजिए। जी हाँ जी, तो पत्रिका समूह को सबसे पहले बधाई दूंगा मैं, और निश्चित रूप से आज का जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12:30 बजे का समय निर्धारित था, सुबह से सभी राष्ट्रीय चैनलों में चल रही थी और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जनता में भी एक शक का संदेह जाता है, राजनैतिक पार्टियों में भी जाता है जो विपक्षी हैं, कहीं ना कहीं शक को जन्म दिया गया है। सत्ता में मोदी जी की सरकार है, उनकी रैली चल रही थी, छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर रमन सिंह जी का कैबिनेट का बैठक आज चल रहा था, इसी कारण से जो है वो विलंब किया गया है। इतना इन्फ्लुएंशियल मानते हैं त्रिलोक जी, इतना इन्फ्लुएंस होता है क्या हमें भारत की संस्थाओं में भरोसा नहीं है? कभी हम ईवीएम पे सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग पे सवाल करते हैं, कभी कभी हम सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल करते हैं। नहीं नहीं, बात भरोसे का नहीं है। देखिए, सीईसी जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है।
केंद्रीय चुनाव आयोग से ऑफिशियल पत्रकारों को और आम जनता को ये मैसेज आता है कि 12:30 उनकी पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हो जाता है। तो यदि कोई बात थी, कोई तकनीकी कारण था, कोई विभागीय कारण था, कोई शासकीय मैटर था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे की सूचना आती। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 1 बजे, माननीय उनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की रैली चल रही है, हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी आए, तो उनके कार्यक्रम में व्यवधान न हो पाए, इसलिए इस निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ऐसा आरोप है। अभय जी आप ये बताइए, एक आरोप नहीं, दो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे ये प्रश्न सिर्फ नहीं खड़े कर रहे हैं आप कि उसने टाइम आगे बढ़ा दिया, आप ये भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि उसने शेड्यूल जो बनाया है वो इस तरह से बना दिया है जिसमें राजनांदगांव को शामिल कर लिया, ये कौन सा प्रश्न है? ये चुनाव आयोग की अपना डिस्कशन। इन 5 सालों में मोदी जी का जो शासन काल है और 15 साल का जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी का कार्यकाल, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका ह्रास हुआ है। ये आरोप पहली बार नहीं लगा है और कांग्रेस पहली बार नहीं लगा रही है। गुजरात के समय भी गुजरात के चुनाव को इन्होंने डिले किया था, गुजरात के चुनाव को बाद में कराया था, अपनी सुविधा से कराया था। फिर किससे चाहते हो आप चुनाव? भारत के अंदर चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। जनता के सामने ये प्रश्न उठा कौन करेगा फिर चुनाव को? हमारा आरोप तो सरकार पे है, जो सरकार के खिलाफ हम क्या आरोप लगाए? सरकार सारे ऐसे कर्म कर रही है वो सरकार पे हमारा, अपन जनता को ये बता रहे हैं कि केंद्र की सरकार और रमन सरकार संस्थाओं की इज्जत नहीं कर रही है, उनकी मान मर्यादा रख रही है और उनपे दबाव बना के काम करा रही है। आज 12:30 बजे और 3 बजे जो तमाशा हुआ उसको भारत की जनता ने देखा है, भारत की जनता महसूस कर रही है। कांग्रेस आरोप नहीं भी लगाती तो ये सच्चाई नहीं बदलती कि 12:30 को 3 किया गया, लेकिन कांग्रेस विपक्षी पार्टी है इसलिए अपनी बात को जनता के समक्ष कह रहे हैं। बुलर जी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के बिलासपुर शहर के, क्या कहते हैं इन आरोपों पर? 2 आरोप लगाए गए हैं आज की तारीख में कांग्रेस की तरफ से, शुरू होते ही 2 गुगली कटी गई है, एक चुनाव आयोग की टाइमिंग को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइम जो बढ़ाई गई, दूसरा राजनांदगांव जिले को शामिल करने को लेकर पहले फेज में। देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है इसमें कोई दो मत नहीं, हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो संस्थाएं हैं जो सरकार संविधान और लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है उनकी अपनी एक आवाज होना चाहिए, मगर चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे निर्वाचन का क्षेत्र हो, इसमें कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपने रूप से और अपने अंदरूनी दबाव से जो है वो समय और टाइम और अपने साथ काम करवाती है। जैसे कि वोटर लिस्ट के मामले में मैंने पहले ही बोला था, वोटर लिस्ट का मामला निष्पक्ष रूप से कभी भी उसमें काम नहीं किया गया है, इस प्रकार से हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। बोले जी आप वोटर लिस्ट पे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है वोटर लिस्ट प्रश्न कर सकते हैं, आपके पास ही खुली वो चीजें हैं, एक पूरा एक फोरम बना हुआ है प्रशासन का, उस पे आप गए होंगे, आपको सुना कि नहीं सुना गया? देखिए हम लोकतांत्रिक ढंग से हम न्याय पाने के लिए हमेशा जाते रहे। वोटर लिस्ट सरकार तो नहीं बना रही है ना? सरकार नहीं बना रही, लेकिन सरकार का पीछे दरवाजे से कहीं ना कहीं इतना उसको जकड़े हुए हैं वो लोग, या अपने हिसाब से लोगों का वहाँ पर नियुक्ति कर रहे हैं जो हमको नहीं दिखता। और ये स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका तक है, तो निर्वाचन में हम लोगों ने रायपुर तक के मुख्य निर्वाचन आयोग में हम लोगों ने वहाँ पर कंप्लेंट की, बिलासपुर में कम से कम 2500 बार की, मगर हमको जो रिजल्ट आना चाहिए पारदर्शिता का वो आज तक नहीं आया। देखिए क्या है, कांग्रेस का ये आदत बन चुका है कि जब भी उनके अनुकूल फैसला हो गया तो वो उनके लिए अच्छा है। अभी गुजरात की बात आ रही थी, गुजरात में इनके एक राज्यसभा सांसद का चुनाव हुआ, यदि वही इलेक्शन कमीशन ये कोर्ट को जो वे किया अमान्य किया उसके कारण इनके एक बड़े नेता चुनाव जीत गए, नहीं तो चुनाव हार रहे। तब उन्होंने रात को 12 बजे उसी चुनाव आयोग का बहुत स्वागत किया कि बहुत यहाँ के भारत के चुनाव आयोग बड़ा निष्पक्ष है, बहुत सोच समझ के फैसला लेती है, और कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें यदि इनके लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है तो उनको लगने लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी जिला प्रशासन भी सब हमारे सरकार के दबाव में कर रही है। सरकार यदि दबाव में करेगी तो इलेक्शन कमीशन को 4 दिन बाद करती कि 10 तारीख के बाद आप आचार संहिता लगाइए। संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र सरकार की राज्य हो चाहे प्रदेश की हो, माननीय रमन सिंह जी, माननीय मोदी जी, जो उनका स्वायत्तता है पूरी तरह से स्वतंत्र है
और सरकार का इसमें अनावश्यक किसी प्रकार का हस्तक्षेप बिल्कुल ही नहीं रहता। इस बात को मैं बिल्कुल आप ये बताइए कि इनका कहना है कि एक घंटे पहले अहमदाबाद जो गुजरात का जो अहमद पटेल वाला जो चुनाव था, एक घंटे पहले चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं था और एक घंटे बाद आपको भरोसा बहाल हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी को हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाएं और उनके मुखिया पारदर्शिता से कोई काम करें, निष्पक्ष रूप से कोई काम करें। 12:30 बजे और 12 बजे आप पीसी बुलाते हैं और अचानक उसको बिना कोई कारण 3 घंटे डिले कर देते हैं बिना कोई कारण के। और सीईसी से एक बयान आता है कि तेलंगाना के विषय को लेकर 3 घंटे ये डिले किया गया। तो कोई भी प्रदेश का चुनाव डिसाइड करने के लिए, आप निर्णय लेने के लिए 3 घंटे पर्याप्त आपके पास समय नहीं। आप पहले समय बना चुके थे, ये मानसिकता बना चुके थे कि 4 राज्यों के साथ तेलंगाना का चुनाव कराना है। स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है, पूरे भारत की हिंदुस्तान की जनता को दिख रहा है कि कोई एक वीटो पावर, एक बड़ा कोई प्रेशर आपके ऊपर आया कि ये 2-3 घंटे इसको डिले कीजिए। इसके आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें आप आदर्श आचरण संहिता चुनाव आचार संहिता की घोषणा करने वाले थे, 5 राज्यों में चुनाव घोषणा करने वाले थे, उसे 3 घंटे आपने स्थगित किया। इसको आप ये मानते हैं कि ये एक तरह से इन्होंने ये केंद्र के पीएमओ के इशारे पे, बिल्कुल आपके रणदीप सुरजेवाला ये लिख रहे हैं, हालांकि पीएमओ शब्द उन्होंने नहीं लिखा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, क्या कहना चाहेंगे राजनांदगांव को लेकर? राजनांदगांव जो है बस्तर का, बस्तर क्षेत्र का जिस प्रकार से किया गया है, उसके साथ ही तकनीकी कारणों से या यहाँ जो मैदानी इलाके में जो चुनाव होगा तो बस्तर के साथ ही साथ राजनांदगांव लगा हुआ इलाका है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से उसको एक साथ रखा गया है और बाकी मैदानी इलाका का जो है वो भी साथ। अभी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये जो 12:30 और 3 की तो बात है, आज 6 तारीख है, 5 तारीख तक इनकी विकास यात्रा तय थी, 5 तारीख तक जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में तय थी और 5 खत्म हुआ, 6 को चुनाव डिक्लेयर हो रहा है। ये तो इनको पहले से मालूम था कि 5 तक हम विकास यात्रा करेंगे, 6 को हम चुनाव डिक्लेयर करेंगे। तो ये इसमें कहीं कोई आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं, सबको जनता देख रही है, सबको जनता समझ रही है। कुछ कहना चाहता हूँ, देखिए जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है ईवीएम से तो वो ईवीएम मशीन बहुत अच्छा रहता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है ईवीएम से तो वो ईवीएम बहुत अच्छा रहता है। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस जीतती है या सपा जीतती है, गठबंधन जीतती है तो वो मशीन बढ़िया रहता है, लेकिन जब कांग्रेस हारती है या अन्य विपक्षी दल हारती है तो वो ईवीएम हैंग हो जाता है या खराब है या उसको बीजेपी अपने कब्जे में ले ली है, अपने इशारे पे ले ली है, ऐसा आरोप लगाती है और बैलेट पेपर से मांग करती है, तो कांग्रेस का तो भरोसा ही नहीं है ना। इसी चीज पर भरोसा नहीं है। उमर जी, ईवीएम पर सबसे पहला प्रश्न देश के अंदर किसी ने उठाया था तो सुब्रमण्यम स्वामी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, ईवीएम की जैसे विजय भाई ने बताया बिल्कुल सत्य बात बताया, अगर ईवीएम में प्रॉब्लम होता तो दिल्ली में 70 में 67 सीटें आप पार्टी किसी कीमत में नहीं जीत सकती। तो पहला प्रश्न तो आप लोगों ने उठाना शुरू किया नहीं, नहीं वो प्रश्न स्वामी जी ने व्यक्तिगत अपना कोई बात की होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो 67 सीट आप पार्टी किसी कीमत में नहीं आ सकती, पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। अच्छा, इसके पहले तो कांग्रेस 50 से 60 साल 55 साल इस देश में राज्य की है, उस समय भी चुनाव आयोग था, उस समय भी इलेक्शन कमीशन था, आज 44 सीटों पे तो सिमट गई, आज 44 उस समय ईवीएम मशीन था ही नहीं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बोल के आज से 20 साल पहले निर्वाचन आयोग तो था, या टेक्नोलॉजी अभी समझ ही नहीं आया, निर्वाचन आयोग तो वही था। अच्छा, 50 सालों में जब तक निर्वाचन आयोग था कांग्रेस के कब्जे में था, इसका मतलब आज 44 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई है, आज 44 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई है और उसी कांग्रेस ने यहाँ शासन किया। अच्छा, आज इसका मतलब ये हुआ कि निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, जनता पार्टी 84 तो बोला सीट कोई संख्या नहीं, आज 284 का सीट है भाजपा, मतलब इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। ये जो परिवर्तन होते हैं इसका मतलब निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट ही चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, और भाजपा ने वोट का अंदर कितना ही देखा है काम हो रहा है। इसमें मेरा एक कहना, जैसे आपने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पहले उठाया था, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े पदाधिकारी नहीं थे और नहीं थे, और दूसरी बात
2004 में जब कांग्रेस जीती, 2009 में जब कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी किसी शीर्ष नेता ने ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो कांग्रेस के कोई ऐसा नेता नहीं है जो उसमें आरोप ना लगा रहा। कौन सा नेता कर रहे हैं? राहुल गांधी जी से लेकर के जितने बड़े बड़े नेता हैं, एक इसमें विश्वास प्रस्ताव आया है। नहीं करता के पास चलते हैं। शेख नजरुद्दीन जी, आप क्या कहते हैं, क्या ईवीएम का और जब नीचे उतरेगी, जैसे जैसे उतरते जाए ग्राम पंचायत इलेक्शन चल रही है, लोकसभा विधानसभा की बात तो दूर रहे, अभी दिल्ली में जो संसदीय चुनाव हुआ था वहाँ पे सचिव पद से जो जीत जीते हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया, उस पसंद आरोप लगाया है, जबकि बहुत छोटा सा चुनाव था। हम तो बड़े बड़े चुनाव की बात करते हैं, छोटे चुनाव में भी ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी का गलत इस्तेमाल करते हैं उस पसंद, और इसके पहले भी जब एनडीए की सरकार थी, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गृह मंत्री थे, अडवाणी जी गृह मंत्री थे उस समय, बस्तर में जो गलत जवाब तो चुनाव आयोग दे रहा है ना। आज एक बड़ा भारी विज्ञापन भी जारी करके बताता, चुनाव आयोग को विज्ञापन जारी करके बताना पड़ता है आपकी संतुष्टि के लिए। चुनाव आयोग आपकी चुनौतियां ले रहा है, बार बार आपको बुला रहा है, आप आते हो, आप कहते हो जैसे अरविंद केजरीवाल बोले कि आप जो है मशीन हमारे हवाले कर दो, हवाले करके तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा। आप ईवीएम मशीन पे जब बार बार प्रश्न उठ रहा है पूरे देश, छत्तीसगढ़ में अगर आप देश में आपकी सरकार नहीं आती है, आप कम सीटों पर रहते हैं तो भी प्रश्न करेंगे, या आप जीत कर सरकार में तो प्रश्न करेंगे, बताइए पहले ईवीएम पर प्रश्न जारी करेंगे। मैं इसका पेट्रोल टंकी का बहुत अच्छा बता, पहले ईवीएम पे प्रश्न जारी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी, पेट्रोल टंकी का पहले ईवीएम पर उदाहरण दे रहा हूं, मोबाइल कहीं ना कहीं 5 से 10% सारे हैक हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें, मेरा ऐसा मानना है वे मशीन में कम से कम 10 से 15% वोटों का वो उसमें सेटलमेंट करवाते हैं, और वो 10 से 15% जोड़ा। दूसरी बात आओ, दूसरी बात आओ, जब ये मशीन लगातार इतनी बड़ी पार्टी हो, आप इतनी बड़ी पार्टी हो, आप देश में चुनाव आयोग को लिख के दे दो कांग्रेस इस ईवीएम प्रणाली चुनाव कराने की स्थिति में पूरे देश में नहीं लड़ेगी, और बड़ी पार्टी को प्रेशर पड़ेगा। कांग्रेस का लोकतांत्रिक होने पर पूरा भरोसा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, जो इस देश के प्रधानमंत्री उनके लोग कर रहे हैं, हम उनको उजागर कर रहे हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जे कब्जे करने की बात। वो जहांगीर आते हैं, हम उनको खाने लेके आते हैं, और सवेरे हमारा प्रदर्शन चल देते हैं। इस बार तो ईवीएम में रिजेक्ट कर दिया, सवेरे मतदाता अपना खुद देख सकता है, इसको छोड़ दिया, इसके प्रभाव डाल। इसके बाद जब जेडी का कहना है सेकंड डे जेल डाल दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, किस आरोप में किस आरोप में आपको बना लेना है। नरेंद्र मोदी जी को काले झंडे दिखाने का आरोप उनको नहीं डाला गया था, किसमें डाला गया? अब तो आपको तय कर लेना है। अभी तो बात आज पुलिस आपको पकड़ के तय कर लेती है, क्या लोकतांत्रिक जमानत का वहाँ पर आवेदन नहीं दे रहे हैं, जेल जाने के बाद बोलते हैं क्या आप कोर्ट के आदेश में 15 साल के जेल चले गए तो हम जल्द ही कर रहे हैं, और फिर बाद में क्यों बोलेगा, बाद में फिर क्यों बोलते वापस आए? तो आप यदि बैंक होता था, एक मिनट अतीत जी, 15 साल के पहले इस प्रदेश में मंडी बोर्ड होता था, मंडी समिति होती थी, इस प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड होता था, उसकी समिति होती थी, इस प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक होता था, कहाँ है यहाँ बदलता है? जिसके चलते और ज्यादा मजबूत का जो फैसला आगे आया है, किसानों की बहुत बड़ी उसमें समस्या हल होगा, किसानों के गरीब पंचायत हो गई, गरीब पंचायत कहाँ सुन लेते हैं, ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा नहीं होती है। एक बीच की कड़ी जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी जान भी रहे थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को रात को देर रात और सुबह सम्मन्स मिला, वो न्यायालय पहुंचे, और जिस आरोप में उनको जेल भेजा गया वो सीढ़ी बनी भाजपा के मंत्री की, बनाया भाजपा के नेता ने,
और प्रदेश अध्यक्ष उस मामले में झेल जा रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष झेल जा रहे हैं। अरे सिर्फ काला झंडा, चूंकि 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 प्रधानमंत्री आए हैं छत्तीसगढ़ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जांबाज अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस जन काला झंडा दिखाएंगे तो ये कुपित हो गए। रिवेंज पुल प्रतिशोधात्मक दबाव बनाने का सीडी का सवाल है। सीडी तो कांग्रेस ने बाई दिया, उसके बाद नई सीडी कांग्रेस के अंदर आ गई, कांग्रेस चालू कर रही है। अभी अंतर भी हो रहा है सिर्फ इतना है, इंडिया मशीन में जो बात हो रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को पूरा भरोसा है, सीटी हो सीबीआई हो, कांग्रेस को पूरा भरोसा है, कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा है। चलिए हम अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं, चूंकि ये बहुत बड़ा सिलसिला है और चलता रहेगा। उसमें तो मतदाता स्वयं देख सकता है किसको चुनाव, लोकल किसको मत दे रहा है। लोकल के गुंबर जी लोकल इम्पोर्टेंट विषय बन जाते हैं, चूंकि हम एक ऐसी सीट पर बैठते हैं जो बहुत मायने रखती है। दरअसल ये जो बिलासपुर है, ये अविभाजित अगर जिले को हम लेते हैं तो 9 सीटें इसमें आती। मुंगेली की सीटें हैं जो बहुत हॉट सीट हैं, यहाँ से एक तीसरी शक्ति का भी उदय हुआ है जो दोनों ही पार्टी की आपकी किरकिरी बनी हुई है। पहले कांग्रेस की ज्यादा किरकिरी बनी हुई थी, अब भाजपा की भी किरकिरी बनने लगी है। ब्रजेश जी, क्या मुद्दों के साथ जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ, यहाँ कोई भी ऐसा जन नेता नहीं है जिसने शपथ पत्र दिया हो, खाली घोषणा पत्र देते हैं, संकल्प पत्र देते हैं, उसमें से भी 25% संकल्प इनका पूरा नहीं कर पाते। आज 15 साल से सत्ता जोगी जी ने शपथ पत्र दिया है 100 रुपये की स्टाम्प पर कि छत्तीसगढ़ क्या होगा। एक कहानी मैं आप दर्शकों को सुना देता हूँ, एक कहानी है शेक्सपियर की, कहानी का नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो एक व्यापारी था वो एक समझौता करता अपने दोस्त के साथ। दोस्त जब एक धनवान था, किसी वजह से वो निर्धन हो गया तो वो अपने दोस्त से कर्जा लेने गया। तो दोस्त ने कहा, दोस्त से कर्ज लेने के लिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं लिखवाना चाहता, बस एक लेटर लिख दो छोटा सा कि अगर मैं कर्ज नहीं चुका पाया तो मैं अपनी जांघ का एक हिस्सा काट करके मांस का वो मैं तुमको दूंगा। ये उसने एफिडेविट में लिखवा दिया। जब कोर्ट गए तो कोर्ट में उसने चैलेंज किया, ये तो मैं नहीं कर सकता। जब कोर्ट में चैलेंज किया तो कोर्ट ने कहा, ठीक है, तुमने एफिडेविट लिख रखा था कि तुम जांघ का एक हिस्सा काट कर ले सकते हो, लेकिन तुमने ये नहीं लिखा कि इसमें से खून आएगा या नहीं, खून नहीं आना चाहिए, तुम ले लो। इस तरह से निर्णय हुआ था एफिडेविट की। नहीं नहीं, बिल्कुल एफिडेविट का पूरा महत्व है, हमने एफिडेविट जो दिया है उसमें कोई ऐसा कठिन काम नहीं कर सकते। अंतरिक्ष का अंतरिक्ष एफिडेविट दिया हुआ, बताइए कितनी कितनी मौलिकता है। भाई साहब अभी दिए हैं, लेकिन 2013 का छोटा सा एक वृतांत सुनाना चाहता हूं। हमारे विधानसभा बेलतरा में भी हमारे एक प्रत्याशी ने 100 रुपये के एफिडेविट लेके बहुत सारी घोषणा करके पूरे एक एक बूथ में एक एक जगह बांटा था, और अच्छा आदमी था, और उसको वोट अपने ग्राम पंचायत से मिला था। 250 वोट उनको, 250 वोट पूरे विधानसभा मिला था, और घर घर कम से कम 5000 एफिडेविट का फोटो कॉपी पाता था। तो एफिडेविट देने से जनता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आपके नेता ने दिया, लेकिन एफिडेविट की मौलिकता कितनी है? तो नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर, एफिडेविट देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो एफिडेविट दे रहे हैं वही इस प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, और क्या कारण है कि लोगों ने नकार दिया? पहला मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार 15 साल से इसलिए यहाँ की जनता को नेताओं और भाजपा सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए हमने जनता को विश्वास दिलाने के लिए 100 रुपये की स्टाम्प में शामिल किया है, भरोसा है हम इसको उस सपत को पूरा करेंगे। संपादक महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो काम करने वाले होते हैं उनको कोई स्टाम्प और शपथ पत्र की जरूरत नहीं होती, जनता उनका अपना स्वयं भू कर लेती है। प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मूलभूत आवश्यकताएं जो आम जनमानस की होती है उसको पूरा करने में ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम और विफल रही है। प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, छात्र हो, सारे के सारे वर्ग, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, सर्वहारा वर्ग इनसे हताश है, निराश है। यहाँ तक कि जो व्यापारी वर्ग थे और शासकीय कर्मचारी अधिकारी वर्ग थे, जो कभी भाजपा के वोट बैंक माने जाते थे,
वो इनकी गलत नीतियों के कारण इनसे खपा बैठे हैं। ये अलोकतांत्रिक सरकार एक प्रदेश में चल रही है। जो भी व्यक्ति अपने हक के लिए, अपने समाज के हक के लिए यदि संघर्ष करता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। कांग्रेस भवन में घुसकर लाठी मारा जाता है कांग्रेसियों को। शिक्षा कर्मी आंदोलन करते हैं, शिक्षक कर्मियों के साथ लाठीचार्ज होता है। किसान अपना बोनस जो ये संकल्प लिए थे गंगा जल और हिंदू धर्म में और चावल अक्षत लेके गंगा जल संकल्प लिया जाता है, किसानों के साथ लाठीचार्ज। स्वास्थ्य कर्मी अपना आंदोलन करते हैं उनके साथ लाठीचार्ज। युवा अपना बेरोजगार और भत्ता मांगते हैं उनके साथ लाठीचार्ज। एक प्रतिशोध की राजनीति इस प्रदेश में चल रही है। 15 वर्षों की हताशा से पूरे प्रदेश में एक निराशा का वातावरण है। आम जनमानस बदलाव करने के लिए उत्कंठ रूप से बैठा हुआ है। हम लोगों के लिए आज एक बहुत शुभ लग्न मुहूर्त है कि प्रदेश में 5 राज्यों के तहत छत्तीसगढ़ में चुनाव घोषणा हुई है। निश्चित रूप से इस बार प्रदेश का मतदाता प्रतिशोध की राजनीति है। विजय जी, प्रतिशोध की राजनीति का आरोप है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज 15 वर्षों में एक गाँव के अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति है, उनका विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार में 50,000 रुपए का इंदिरा आवास आता था और क्या हालत रहता था, नींव नहीं डल पाती थी। आज एक एक गांव में 150-200 मकान, 1,47,000 रुपए के उनके मकान बने हैं और अपने मकान में निवास कर रहे हैं। लोगों ने गैस चूल्हा मकान चुनौती दे रहे हैं और साथ में गैस का चूल्हा भी चुनौती दे रहा है आपको। सर देखिए क्या हालात है गांव में। देखिए गांव में तो आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव का समय आता है तो प्रलोभन के तौर पे 1.5-2 महीना 3 महीना पहले जनता को कुछ देने की कोशिश करते हैं। अगर आज गैस चूल्हा दिया गया है, ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के समय में चला है, जैसे कि रोजगार गारंटी का कार्यक्रम चला और बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस समय समय पर लाती थी, मगर ये लोग जो अपना कोई भी योजना को लाते हैं तो इनका जब समय आता है चुनाव का तो 3 महीना करते हैं। जैसे कि उन्होंने मोबाइल बांटा और अभी गैस चूल्हा बांटा, आज गांव के सारे गैस चूल्हे जो है पोटली बांध के सब मचान में धर दिया गया है, क्योंकि उनकी रिफिलिंग कौन कराएगा। आपने गैस चूल्हा बांट दिया लेकिन उसकी रिफिलिंग व्यवस्था नहीं थी। हम लोग जब गाँव जाते हैं तो ये देखते हैं आज भी वहाँ के गरीब जो जनता है और गरीब जो मजदूर है वो बेचारे लकड़ी काट काट के उसके बच्चे और मियाँ बीवी ढोक ले जाते हैं। आज पुराने संसाधनों में वो जी रहे हैं तो उनकी प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की जाए। आपको ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी से और ईमानदारी से कांग्रेस के साथ सरकार ने, मेरे को याद है कांग्रेस के साथ सरकार में एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए सांसदों के पीछे घूमना पड़ता। अगर ये बात बोल रहे हैं तो जिस समय देश आजाद हुआ इस देश का सुई नहीं बनती थी, आज आप हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में 100-100 गाड़ियां फोर व्हीलर खड़ी हुई है, सड़कों पे आपने पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाया, सड़कों पर मुहैया कराई सरकार वाली है, हर गांव में सब लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी गैस सिलेंडर के लिए GOM बनता था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री ये रहते थे। ऐसा लगता था सुन के टीवी में कि कोई बहुत बड़ा देश में रजनीश जी, प्रक्रिया सरल कर देने से क्या आदमी से आप कुछ भी रेट ले सकते हैं? नहीं कैसे नहीं, 900 400 500 सिलेंडर ऐसे लोगों को दिए हैं। एक समय था 2014 तक, एक समय मतलब बहुत पहले नहीं पता। सब्सिडी माफ वापस मांग रहे हैं, सब्सिडी मांग रहे हैं, आपने गैस को इतना महंगा कर दिया है, हो सकता है 900 रुपया यहाँ नहीं है, उनकी मांगों की कुछ लोग मांग रहे हैं, मांग रहे हैं आपके समाचार पत्रों में आए हैं, 1 करोड़ लोगों की तादाद है, 1 करोड़ लोगों की तादाद है, सब्सिडी वापस मांग रहे हैं, सब्सिडी वापस दिए जाए, सब्सिडी गैस सबलीकरण कर दिया। शेख नजरुद्दीन जी, आप भी अपडेट रहिएगा। सबसे पहला कदम डॉक्टर मनमोहन की सरकार ने उठाया था, सब्सिडी को
पार्टली सब्सिडी छोड़ना चाहिए करने की तरफ धीरे धीरे करके इसकी ये बात तीसरे चरण में दाखिल होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इस जो जिला है अविभाजित बिलासपुर का मुंगेली और बिलासपुर मिला करके इन सीटों पर चूंकि सबसे पहले जो यहाँ 20 नवंबर को वोटिंग होगी उस लिहाज से देखें तो 26 अक्टूबर से प्रोसेस शुरू होगी एज पर द प्रोग्राम ऑफ सीसीआई। तो रजनेश जी संगठन प्रमुख होने के नाते कब तक जारी कर देंगे टिकट? प्रदेश चयन समिति और राष्ट्रीय चयन समिति का प्रक्रिया नहीं समय लाइन बताइए आप। निश्चित रूप से राष्ट्रीय चयन समिति करेगी। बात मैं बोल रहा हूँ की भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम बना हुआ है कि प्रदेश चयन समिति है उसके बाद राष्ट्रीय चयन समिति करेगी, इसलिए उसका डेडलाइन मैं उसको नहीं बता सकता, लेकिन समय रहते भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित हो जाएगी। सिटिंग विधायकों को रिपीट करेंगे ये विषय सिर्फ और सिर्फ संगठन के सिर्फ ये विषय है। जिले के अंदर 4 विधायक आपके हैं, ये विषय राष्ट्रीय चुनाव समिति का है। टिकट देना आपके हिसाब से क्या लगता है चेंज होना चाहिए? नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र का चीज नहीं है। मेरा काम संगठन के कामों को बूथ स्तर तक पहुँचाना, कर सरकार के कामों को जनता तक पहुँचाना और टिकट के इस चीज पे बच रहे हैं। बोलर जी आपकी पार्टी ने कहा था 15 अगस्त तक लिस्ट जारी कर देंगे, आज 15 अक्टूबर करीब दो महीने लेट चल रहे हैं। आपको आई गया कब तक करेंगे जारी? मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जाएगा और बहुत ज्यादा इंतजार लोगों को नहीं करना पड़ेगा। हमारे राहुल गांधी जी बता सकते हैं, राहुल गांधी तय करेंगे। बाकी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रोसेस चले हैं उनको सब ऊपर पहुँचा दिया गया है। उसमें जो प्रदेश कांग्रेस लोकतांत्रिक ढंग से बांटा जाता है, न कि भारतीय जनता पार्टी के जैसा हमारे टिकट बटा। हमारे राहुल गांधी क्यों लोकतांत्रिक ढंग से प्रक्रिया पूरी करी गई है, इनके यहाँ पर टिकट मांगना भी जरूर जैसा है। हमारे यहाँ जो भी टिकट मांगना हम लोग यहाँ पूरी तरह पूरा लोकतंत्र है और पूरे लोकतंत्र के तहत पारदर्शिता से काम होता है। उम्र जी आपने जो है पहले तो 45 टिकटें बांट दी, उसके बाद से आपने बीएसपी से गठबंधन कर दिया और बेचारे 45 वालों को 2 साल तक खूब खर्चा करवा दिया, उसके बाद 7 लोग से आप फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए हमारे 7 लोगों के टिकट जो है 7 जो सीटें थी वो आपने बीएसपी की जोड़ी में दे दी। हमारे पार्टी सुप्रीमो ने 1 साल पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे बोले थे और उन्होंने कर दिखाया। मेरा स्वयं का 1 साल पहले से प्रत्याशी यहाँ बिलासपुर से घोषित है, उसी प्रकार से हमारे पार्टी 45 सीट घोषित है और अभी गठबंधन के कारण कुछ सीटें का बचा हुआ है। 13 तारीख को हमारा बिलासपुर में महासम्मेलन होने जा रहा है, उस दिन हमारा सारा टिकट जो है। मेरा प्रश्न तो ये था कि जिन 7 लोगों को आपने टिकट दिया और वापस ले ली वो सीटें आपने बीएसपी के कब प्रत्याशी बदल जाते हैं भरोसा ही नहीं है। बीजेपी जब पहले बेलतरा से घोषित थे उनको पता नहीं कब रहा था तो बिलासपुर कर दिया गया। अभी 13 तारीख को भरोसा ही नहीं है, 13 तारीख को पता ही नहीं लगता सब क्लियर हो जाएगा और निश्चित रूप से समय अवधि के समय से पहले ही हमारे जनता कांग्रेस से जिस तरह सरकार कह रही है कि भयमुक्त चुनाव होगा तो क्या चुनाव शराब मुक्त होगा? शराब क्योंकि सरकारीकरण हो चुका है, शराब सरकार के हाथ में है, ये चुनाव क्या शराब मुक्त चुनाव होगा? ये प्रश्न सभी पार्टियों के सामने आना सही। शराब सरकार के हाथ में ठीक है, लेकिन उसको पीने वाला तो जाके लाइन में लगा के कोई भी ले सकता है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति कितना भी ले सकता है। सरकार की भौगोलिक स्थिति सामाजिक बुराई को आप लोग जिंदा रखना चाहेंगे, 65 साल जिंदा रखना मेरा छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। सारे राजनीतिक दल
सारे प्रत्याशी इस बात पे विचार करेंगे, एक अच्छी पहल हो सकती है, एक अच्छी पहल करें कि हम साफ सोचा जाए चुनाव को करें, बुराइयों को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, बोलना है कि लोग लाइन लगा के शराब बीच में आप नहीं हो चुका है, अंत में अंतिम चरण में आखिरी चरण में एक एक मिनट में फटाफट बताते जाइएगा। गुरर जी आपसे शुरू कर लेते हैं, आपकी 7 सीटों पर क्या स्थिति रहेगी, क्या दावा करते हैं और क्या कोर इश्यू रहेंगे? दो ओनली वन मिनट, यू हैव ओनली 50 सेकंड्स। देखिए लाठी डंडा राज भय का जो वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में है, इसकी वजह से कांग्रेस को जनता पसंद कर रही है और झूठ जुमला को जनता समझ चुकी है। हमारा जो चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा, एक तो अभी जो पूरी कानून व्यवस्था जो है पूरा चरमराया हुआ है पूरे प्रदेश में और डंडा राज चल रहा है। बिलासपुर शहर की बात कर रहा हूँ, आप बताइए बिलासपुर में तो मुद्दों की कमी नहीं है सर, सबसे बड़ा मुद्दा बिलासपुर में तो मुद्दों की कमी नहीं है। यहाँ तो आप ये देखिए कि सीवेज जैसे काम जो है 200 करोड़ के थे वो 700 करोड़ के हो चुके, 3 साल की योजना जो है वह 13 सालों में जा रहे हैं और सड़कें जो है अभी भी कहीं पर भी धस जा रही है। रोज लोगों को घर से निकलने के बाद ये समझ में नहीं आता कि मैं सही ढंग से अपने घर वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, गंतव्य पे पहुंचूंगा या पाताल लोक पहुंचूंगा, बताइए रजनीश जी। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर जिले के 7 विधानसभा सीट बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जीत रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 4.5 साल के कार्यकाल और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 वर्ष के कार्यकाल, सिर्फ हमारा मुद्दा विकास विकास और विकास और पेयजल के मामला हो, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें अभूतपूर्व हुआ है और इसका आंकड़ा, अभी समय कम है नहीं तो आंकड़ा बहुत चमत्कारिक आंकड़ा है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ बैठे हुए हमारे मित्र हैं, माननीय छोटा भाई है मेरा तिलोक, वो गांव पंचायत कोनी से आता है, 1947 से 2003 को गिन ले और 3 से 18 को गिन ले तो समझ में आ जाएगा कि विकास एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक वार्ड में हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे और 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है। बेल तरह से आप दावेदारी कर रहे हैं और उपाध्यक्ष विधानसभा वहां से आते हैं, विजयधर जी क्या स्थिति है, क्या इशू? बहुत अच्छी स्थिति है, हम बेलतरा तो 4थी बार जीतेंगे लगातार और साथ में इस बार आप जीतेंगे कि कमल जीतेंगे? मतलब हमारी पार्टी, आप अगर हमारी पार्टी कमल छाप जीतेगी और जो भी प्रत्याशी होगा, जो भी प्रत्याशी होगा और इस बार हम मारवाहियों को आप होंगे, पार्टी यदि आदेश देगी मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो मैं उस आदेश को मानूंगा। गुम्बर जी, क्या इश्यूज रहेंगे बेलतरा में, क्या बात लेकर आप जाएंगे अगर आपको पार्टी मौका देती है? नहीं, बेलतरा में इशू तो विकास के ही हैं, डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार, किसके प्रश्न करेंगे, आपके विधायक रहे हैं और आपकी सरकार रही, किसके? नहीं नहीं, प्रश्न नहीं है, वो तो लोग खुद समझ रहे हैं कि विकास के काम हुआ और अब 4थी बार भी देखिए शानदार, 7 की 7 सीटें जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा है, 7 की 7 सीटें हम इस बार जीत रहे हैं और 65+ का हमारा जो टारगेट है प्रदेश में उसी से कांग्रेस डरी हुई है और सहमी हुई है कि इस बार 4थी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक बन रही है, उसी के कारण कांग्रेस एक बौखलाई हुई है और डरी हुई है और इसीलिए सीडी कांड और ये कांड दुनिया भर का आरोप लगा रहे हैं वो, क्योंकि घबराए हुए हैं अंदर से वो कि 4थी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ब्रजेश जी, आप घोषित प्रत्याशी हैं इसलिए आप अधिकृत तौर पर बोल सकते हैं, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? निश्चित रूप से बिलासपुर में मुद्दा हमको बोनस के रूप में मिला हुआ है, यहाँ सीवरेज का जो है 3 साल का कार्यकाल था, 300 करोड़ था, वो 13 साल में भी आज पूरा नहीं कर पाए हैं। पर्यावरण के लिए हम सब मिल के एक अभियान चलाए हैं कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, अच्छा रहे। यहाँ आपसी जोन शहर में जो बना हुआ था 10-12 फीट पेड़ ऊपर आ गया है, उसको आज उजाड़ा जा रहा है, 500 पेड़ काटा जा रहा है, वहाँ तारामंडल का निर्माण कर रहे हैं। भाई ये कहना चाहता हूँ कि जब मंत्री जी के हाथ में सारा चीज है, बजट है, वो विभागीय मंत्री है, वो रहते हुए भी 13 साल में जो 3 साल काम को नहीं कर पाए, तारामंडल बना रहे हैं, जनता से अब देख रही, जनता आपको तारामंडल दिन में दिखाएगी चुनाव में आने वाले समय में, यहाँ से निश्चित रूप से मैं जीत विजय। बिल्कुल त्रिलोक जी, प्रश्न ये है कि बेलतरा में 76 सीटें पार करके, 76 लाइनें पार करके अगर मान लीजिए आपको टिकट दिया जाता है तो क्या कोर इश्यूज होंगे? बेलतरा में इश्यूज की कमी नहीं है, बेलतरा का सबसे बड़ा इश्यू है वहाँ के वर्तमान विधायक की निष्क्रियता, अकर्मण्यता, बेलतरा का प्रदेश के पटल पर पहचान न होना, वहाँ का विकास सिर्फ कागजों में हो गया है। 5 साल नहीं, 15 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 साल से वर्तमान विधायक वहाँ के हैं दीवान जी,
15 सालों में बेलतरा में कोई भी ऐसा बड़ा काम उनको उपलब्धि नहीं रहा है जिसको बता सके। बेलतरा में कोई भी ये बात तो हो गई, ये तो बात हो गई सिटिंग एमएलए की। त्रिलोक क्यों? त्रिलोक इसलिए कि त्रिलोक या कोई भी कांग्रेस इसलिए कि 15 सालों से हम वहां पर त्रिलोक इसलिए कि त्रिलोक क्षेत्रीय व्यक्ति है, त्रिलोक जनप्रतिनिधि है, 20-25 सालों से चुनाव की तैयारी कर रहा है, उसका व्यक्ति का जनाधार है, अपने समाज का प्रदेश का मुखिया है। चुनाव जितना त्रिलोक सिवास को आता है और त्रिलोक सिवास 5 साल 24 घंटे 365 दिन बिना डरे बिना झुके संघर्ष करने वाला व्यक्ति। अभय जी, बेलतरा में 76 हुए ऐसे, सब 76 है ना दावेदार, 75 को चुनाव जीतने नहीं आता। देखिए पहला तो लोग ये कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कह रहे, 7 सीटों में हमारे 75 को चुनाव जीतने ऐसा नहीं कर रहे। एक मिनट सब बात बता, एक मिनट, मेरे कहने का आशय ये है कि मेरे दादा सरपंच, मेरे पिताजी उप सरपंच सरपंच, मेरी पत्नी सरपंच, मेरी पत्नी वर्तमान में जनपद सदस्य जनपद सभापति, मैं जनपद सदस्य जनपद सभापति, मेरी बहू जिला पंचायत की सदस्य। मेरा कहने का आशय पूरे परिवार को ही दे दो टिकट। नहीं नहीं, वर्ष बाद आपके यहाँ है, आपके यहाँ बेलतरा के विधायक वर्ष बाद के ऊपर, बाकी जगह छोड़िए, 5 साल में आपको विजयधर दीवान छोड़ के दूसरा कोई प्रतिनिधि नहीं मिला, माननीय दीवान जी का एक ही प्रतिनिधि था, अभी बाकी प्रतिनिधि बने पहले वर्ष बाद आपके यहाँ। संपादक जी, आपने 7 सीटों की बात की जिले की, 4 में हम पहले तो जीते हुए थे पिछले चुनाव में, 3 जो इनकी महत्वपूर्ण सीट है बेलतरा, तकरपुर और बिलासपुर। मैं बिलासपुर में ही दावा करता हूँ कि इस बार हम अमर अग्रवाल की जमानत के चुनाव जीते। बिल्कुल, मरवाही में कुछ दावा कर सकते हैं? मरवाही में, मरवाही सीट कांग्रेस की है, कांग्रेस की रहेगी, कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी वहाँ होगा वो चुनाव जीतेगा, वो किसी की पैतृक संपत्ति नहीं थी, कांग्रेस की संपत्ति थी। शेख साहब, क्या इश्यूज रखते हो बिलासपुर में आप? क्या बिलासपुर में इश्यूज कमी नहीं है, चाहे वो सीवरेज का मुद्दा ले लीजिए, चाहे पानी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे टेम्स नदी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे पर्यावरण का मुद्दा ले लीजिए। यहाँ के जो मंत्री जो है, आने वाले समय पे यहाँ की जो जनता है, भले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट ना करे, लेकिन अमर अग्रवाल के खिलाफ वोट करके उनकी जमानत इसलिए जब्त कराएगी। उन्होंने जो वादा किया था कि मैं शहर में क्लीन सिटी बनाऊंगा, उन्होंने ये वादा किया था मैं शहर में ग्रीन सिटी बनाऊंगा, उन्होंने ये वादा किया था मैं धूल मुक्त शहर बनाऊंगा, लेकिन इस पूरे शहर को उन्होंने धूल युक्त बना दिया है। यहाँ जनता उनको माफ नहीं करेगी। आने वाले दो महीने बाद में उनको दिन में तारे दिखेंगे, वो जो तारा मंडल बनाने की बात करते हैं, दिन में तारा देखते हुए खर्च वापस जाएंगे। अमर अग्रवाल से लड़ने के लिए 49 लोग सामने हैं। अमर अग्रवाल के खिलाफ इस समय जनता लड़ेगी, कांग्रेस खाली पार्टी बनेगी। तो ये थी चर्चा आज आचार संहिता लगने के बाद से, तो आप भी तैयार हो जाइए। पूरे छत्तीसगढ़ में आज से चुनावी रणभेड़ियां बज चुकी हैं और हर दिन एक नया बयान, नई बात, नया कुछ ना कुछ आपको सुनने देखने को मिलता रहेगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। पत्रिका पोल बुलेटिन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।